नमस्कार, एसटी न्यूज हूँ आपके साथ गौरी रानी। हेमंत सोरेन सरकार के तीसरे मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने जा रहा है। मंत्री पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद आज उनके बड़े बेटे हाफिज हमारे साथ बात करने के लिए मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उराव जी हैं, इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। सर, अचानक उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, इससे पहले किसी तरह की कोई बात भी नहीं हुई? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव मंत्रिमंडल का विस्तार कब करें, कैसे करें, तो यहाँ हेमंत सोरेन जी की सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, वो अभी 12 का स्ट्रेंथ है यहाँ मंत्रिमंडल में, अभी 10 ही थे, हाजी साहब के जाने के बाद 10 बच गए थे, तो लोगों में चर्चा बहुत ही थी कब बनेंगे, 11वां या 12वां मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, तो अचानक नहीं है ये तो सर, सतत प्रक्रिया। उन्हें अभी तक विधायक भी नहीं वो बने हैं और अचानक से मंत्रिमंडल में शामिल करने की घोषणा, ऐसा है कि संविधान के तहत हो रहा है। संविधान में व्यवस्था है कि चुने हुए प्रतिनिधि में से कैबिनेट में लिए जाएंगे, और ये भी व्यवस्था है कि जो चुने हुए नहीं हैं वो भी हो सकते हैं 6 महीने के लिए मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो चुने हुए आज नहीं हैं, लेकिन उनको उस योग्य हैं कि उनको लिया जा रहा है, फिर चुनाव फेस करेंगे, चुन के आएंगे, परमानेंट हो जाएंगे। आरजेडी जो है वो गठबंधन में रही थी 2019 में, विधानसभा चुनाव जब हुए तो आरजेडी जो थी गठबंधन में थी, लेकिन आज मधेपुरा जो सीट, जिस सीट से आज मंत्री बनाया जा रहा है हाफिजुल अंसारी को, वहां से आज आरजेडी प्रत्याशी को उतारने का भी दावा जो है वो आरजेडी के द्वारा किया जा चुका है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, गठबंधन हुआ था 2019 में, तो अब गठबंधन टूट गया। नहीं, आगे अब सुनिए ना, और सीटें तय हैं सबकी, सीटें तय हैं, 43 जेएमएम का, 31 कांग्रेस का और 7 आरजेडी का। चुनाव लड़े, कितना आए झारखंड के लोग जानते हैं, आप भी जानती हैं, अब उसमें से आगे कहाँ बढ़ेंगे, रोज रोज गठबंधन थोड़े होता है कि यो सीट दे दीजिए, वो भी सीट दीजिए, ऐसा थोड़े होता है। 5 साल के लिए तो रहता ना, पांच साल तो ये है, तो एक सीट से दो गठबंधन के दो प्रत्याशी को उतारने का क्या मतलब भैया? ऐसा है, कहाँ कोई उतार रहा है, गठबंधन में तो नहीं उतारा, गठबंधन में यह सीट जेएमएम का है और हाजी साहब जीते थे, लड़े थे और जीते थे, कहाँ दूसरा कोई जीता था, कहाँ गठबंधन का दावा करना, दावा उनका, मैं नहीं समझता हूँ कि किस लिए दावा कर रहे हैं, वो बता पाएंगे। मैं इतना ही जानता हूँ कि जो गठबंधन में तय हुआ था जो जो सीटें, उसी गठबंधन के तहत ही सीट है जेएमएम का, और जेएमएम के लोग लड़ेंगे, वहाँ जेएमएम कैंडिडेट लड़ेगा। सर, झारखंड के युवा जो हैं वो आप सभी विधायक मंत्री से ये पूछना चाहते हैं कि पूर्व सरकार में जो भी विज्ञापन आए थे नौकरी को लेकर, आज सरकार जो है वो सारे विज्ञापनों को रद्द कर रही है, ऐसा करने का क्या मतलब है सर? क्योंकि सभी लोग फीस भरते हैं, सभी लोग एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उसके बाद फिर नए सिरे से तो सरकार बदलती रहेगी, तो इसमें आम जो युवाएं हैं, जो बेरोजगार युवा है, वो उनका तो भविष्य अंधेरे में हो जाता है। कई ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र भी खत्म हो गई। देखिए, ऐसा उम्र की चिंता नहीं कीजिए, उम्र बढ़ाएंगे हम लोग, आप पढ़े होंगे अखबार में भी, मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि हम उम्र बढ़ाएंगे, है ना, उसकी चिंता नहीं करना, उम्र सीमा बढ़ेगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक नियोजन नीति के बारे में आप जानना चाहती हैं, आप जानती हैं कि जिस समय बना था उसी समय विरोध काफी हुआ था, और जिस तरह की सरकार की, वो संविधान के तहत नहीं हुआ था। संविधान के तहत देखिए, संविधान कहता है कि कहीं के भी लोग आकर के नौकरी किसी भी राज्य में खोज सकते हैं। ये सरकार, अब एक राज्य की तो बात अलग है, एक राज्य में तो कन्हैया ही है, लेकिन ये सरकार बांट दी, गैर सूचित अगर ये शेड्यूल एरिया नॉन शेड्यूल एरिया में बांट दी, और उसको हाईकोर्ट ने क्या कहा, हाईकोर्ट ने देख लीजिए हाईकोर्ट ने क्या कहा, हम तो हाईकोर्ट के आदेश का नमस्कार हाईकोर्ट के आदेश पर कर रहे हैं, फैसले पर कर रहे हैं, हम कहाँ शुरू किए थे, हम साथ छोड़ देते, लेकिन ये जो है, लेकिन हमारे साथ ये है कि चुनाव के समय में ही लोग कहते थे कि नियोजन नीति गलत बनाया है रघुबरदास सरकार, इसलिए आप इसको बदलिएगा जा करके। हम तो जनता के भावना से काम करते हैं ना, जनता की इच्छा से काम करते हैं ना।
आपको नहीं लग रहा है कि इससे कई युवाओं जो है वो उनका भविष्य अंधकार नहीं, सबको मौका दिया जाएगा, किसी को नहीं रोका जाएगा, सबको मौका मिल जाएगा, कोई अंधकार में नहीं होगा। तो देखिए, ये हमारे साथ बात कर रहे थे झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव।